कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट के शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर हमने पढ़े थे उसके बाद में ये लेक्चर थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा। कुछ कारण रहे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, और हिस्ट्री का भी थोड़ा सा लेक्चर आपका पीछे हो जाएगा। पर जो टेस्ट की दिनांक है, जो संडे के दिन वो टेस्ट, वो उसी दिन आपका बनेगा, तो आप टेस्ट की तैयारी करते रहिए। तो लास्ट जो ज्योग्राफी का हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने देखना था जलवायु, जल वायु विश्व के। अब हमने ये पता चल गया जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तापमान उसको प्रभावित करता है, दाब उसको प्रभावित करता है, दाब के कारण वर्षा कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, और वर्षा चक्रवात के रूप में भी आती है। ये सब हमने देखने की कोशिश की। जब ये सब देखने की कोशिश की तो अब ये पूछता है कि भैया फलाना महाद्वीप है, उस महाद्वीप की जलवायु का आप वर्णन कीजिए। एक महाद्वीप आता है तो उस महाद्वीप के अगर विस्तार के बारे में बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के अगर मान के चलो है, किसी महाद्वीप का विस्तार 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का है, किसी महाद्वीप का विस्तार केवल और केवल 60 से लेकर 75 तक का है। तो ऐसे महाद्वीपों के बारे में जब पूछता है तो प्राय बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, और रटते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि वो उतना ही बता पाते हैं जितना उनको पता हो। और जब अगर बाहर से कम एकाएक प्रश्न आ जाता है तो वहां पर उन्हें शुरू होती है दिक्कत। और इसी दिक्कतों के लिए हमें कंसेप्ट हमारे सामने रखा गया कोपेन के द्वारा, जिसके द्वारा बताया गया कि किसी भी महाद्वीप की जलवायु ऐसी ऐसी हो सकती है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उस महाद्वीप के बारे में ये चीज बताने की कोशिश की थी कि उस मॉडल में जो चार्ट था उसमें कौन कौन से नाम हैं। प्राय बच्चों ने देखा और देखने के बाद में पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद में समझने की कोशिश की होगी। मैं यहाँ तक के सही चल रहा हूँ? चलिए, तो आप सभी को पता है कि हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जाना है। 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? 90 डिग्री के क्षेत्र तक के जाना है। तो 0 से लेकर 90 तो मतलब 0 से लेकर हमें 10 का क्षेत्र देखना है। 0 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के क्षेत्र को। ये जो उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र रहता है बेटा, इस क्षेत्र पर प्रायः सूरज की जो किरणें रहती है वो किरणें लगातार सीधी पड़ती रहती है। तो लगातार सीधी पड़ने के कारण चाहे कोई भी मौसम ऊपर चल रहा हो, सूरज की किरणें हमेशा क्या होती है, लगातार सीधी पड़ती रहती है। इसके कारण हमेशा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहता है, यहाँ शीत ऋतु हमें दिखाई नहीं देती। अब शीत ऋतु यहाँ पर होती ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में क्या दिखाई देता है, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ संघनन की क्रिया ज्यादा होती है, और संघनन की क्रिया ज्यादा होने के कारण वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हमें पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं वो हर वर्ष हमेशा नए नए दिखाई देते हैं, और सदाबहार हमेशा फूल पत्तियां हमेशा पेड़ों पर दिखाई देते हैं। इसका कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, सदाबहार किस्म के। ये विषुवत्रेखा की जो अक्षांशीय स्थिति है वहां की जलवायु की खास विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है क्या, नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की लगातार सीधी किरणें पड़ती, मतलब तीव्रता क्या होती है, ज्यादा। तीव्रता ज्यादा होने के कारण तापमान क्या होता है, ज्यादा। तो संघनन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा। तो स्वाभाविक वर्षा की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा। तो स्वाभाविक रूप से लगातार जब वर्षा होते रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आर्द्रता भी दिखाई देगी। आर्द्रता के साथ में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सदाबहार वृक्षों की अधिकतम मात्रा। और ये सदाबहार वृक्षों की अधिकतम मात्रा होने के कारण ये जो क्षेत्र रहते हैं प्रायः विश्व के सर्वाधिक ज्यादा जैव विविधता वाले, जैव विविधता वाले क्षेत्र में आते हैं। चाहे आप अमेजन नदी का क्षेत्र देख लो, वो भी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आता है। चाहे आप कांगो नदी का क्षेत्र देख लो, अगर आपको और अगर जाना है तो अंडमान निकोबार के पास का क्षेत्र देख लो, और चाहे अगर आपको और जाना है तो इंडोनेशिया के क्षेत्र को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं किस प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और साथ में आपको ये भी चीज दिखाई देगी बेटा कि यहाँ पर बहुत अधिक वृक्ष होने के कारण यहाँ पर संसाधन तो बहुत है,
परंतु यहाँ पर गम्यता मतलब वहां तक के पहुंच ज्यादा कठिन होने के कारण वहां पर आपको डेवलपमेंट ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र के अनडेवलप्ड होने का कारण यहाँ पर संसाधनों की बहुलता तक के पहुंच सुनिश्चित नहीं होने के कारण है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि भैया यहाँ पर आपको जो स्रोत दिखाई देंगे और जो उद्योग दिखाई देंगे वो लकड़ी से संबंधित ज्यादा उद्योग रहेंगे, लकड़ी से ज्यादा संबंधित। और इनका उपयोग जो होता है प्राय जलायु जलायु किस्म में होता है, क्यों? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में तापमान होने के कारण जो लकड़ी रहती है वो लकड़ी कठोर किस्म की रहती है, और कठोर किस्म की लकड़ी से ना तो हम अच्छा पलंग बना सकते हैं ना तो हम दरवाजा बना सकते हैं। तो मतलब उपयोग भी क्या है, बहुत सीमित है, इसी कारण इसका उपयोग जलायन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो इसके बाद में अगला क्षेत्र आता है बेटा, उस क्षेत्र को कहा जाता है 10 से लेकर 30 डिग्री का क्षेत्र। इसमें तीन भाग आते हैं, इसमें कौन से भाग आते हैं, तीन भाग आते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये क्षेत्र 10 से लेकर 30 डिग्री, मैंने आपको बताया था अनुतट हवा, तट हवा, हाई प्रेशर से। अब आपको पता है 10 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है, व्यापारिक पवन, कौन सी ऋतु में चलेंगी, ग्रीष्म ऋतु के समय में, ग्रीष्म ऋतु के समय में व्यापारिक पवन इस क्षेत्र में चलेंगी, और शीत ऋतु के समय में और नीचे की ओर आएंगी, क्या आएगी, क्या पूछिएगा कि भैया ग्रीष्म ऋतु के समय में आपको समुद्र की सतह पर क्या दिखाई देगा, हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर की ओर आएगा, क्योंकि स्थल का जो स्वभाव होता है वो जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, और जल्दी जल्दी गर्म होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, वो लो प्रेशर की ओर आता है। और जब जहां पर आता है तो पहली बार जब सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद में यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, और इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा गया, मानसूनी क्षेत्र। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र के बाद में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा होती है। अब जैसे जैसे ये और अंदर की ओर आता है और अंदर की ओर जाकर यहाँ पर वर्षा मानसूनी क्षेत्र के मुकाबले कम होती है, मानसूनी क्षेत्र के मुकाबले क्या होती है, कम। पर जैसे और अंदर की ओर आते हैं तो इस क्षेत्र में, इस पानी की ओर के क्षेत्र की ओर हाई प्रेशर बनने के कारण, यहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण ये जो हवा रहती है वो यहां तक के पहुंचती ही नहीं, अगर पहुंचती भी है तो वर्षा कराती है बहुत अधिक कम, प्रायः पहुंचती नहीं, क्योंकि यहां पर कौन सा प्रेशर बना रहता है पानी के क्षेत्र में, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर बादल आकर्षित ही नहीं होते, और यहाँ पर होती है वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा होती है कम, और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण प्रायः 10 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र में एक महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में आपको मरुस्थल दिखाई देंगे, चाहे आप अगर कोई भी मरुस्थल ले लो बेटा, चाहे आप थार का मरुस्थल ले लीजिए, चाहे आप सहारा मरुस्थल ले लीजिए, आपको दिखाई देगा कि लंबे इस पट्टी में 10 से लेकर 30 डिग्री में पश्चिमी क्षेत्र पर आपको वर्षा कम दिखाई देने के कारण वहां पर मरुस्थल दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीष्म ऋतु का। अब शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु के समय में बेटा, शीत ऋतु के समय में इसी का जो बिहेवियर रहता है, क्योंकि आपको पता है शीत ऋतु के समय में यहाँ पर पछुआ पवने चलती है, पछुआ पवने जो रहती है वो ऊपर के क्षेत्र में चलती है, तो शीत ऋतु के समय में स्थल के यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, और यहां से हवा चलने लगती है बाहर की ओर, तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्षा जैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देगी, पहली बात। यहां पर जो अब बात आती है दूसरी पर, यहां जो वर्षा हो रही है ग्रीष्म ऋतु के समय में 10 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र में, यहां वर्षा थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, और इसी के कारण यहां पर आपको घास के साथ में पेड़ भी दिखाई देते, क्या दिखाई देते, पेड़ भी दिखाई देते, और यही कारण है कि यहाँ पर घास के साथ पेड़ दिखाई देने के कारण यहाँ पर मिट्टी की उर्वरकता थोड़ी सी कम हो जाती, क्योंकि घास अगर रहते तो कम मात्रा में उर्वरक तत्वों का प्रयोग करते, परंतु पेड़ जो रहते अधिक मात्रा में करते, और यही कारण है कि जो सबसे अधिक उपजाऊ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं महाद्वीप के इसमें वो
आपको सवाना क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे, इसके ऊपर के क्षेत्र में दिखाई देंगे, जिसका नाम है स्टेपी तुल्य क्षेत्र। वहां पर क्यों पाई जाती है, उसका उत्तर मैं अगले स्लाइड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां तक के समझ में आया कि भैया 10 से लेकर 30 डिग्री के क्षेत्र में शीत ऋतु में किस प्रकार का रहता है और 10 से लेकर 30 डिग्री में ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का बिहेवियर रहता है एक महाद्वीप का। अब हम आगे आते हैं 30 से लेकर 45 डिग्री के क्षेत्र में। अब 30 से लेकर 45 डिग्री के क्षेत्र में अगर हम शीत ऋतु की ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, तो ग्रीष्म ऋतु के समय में आप सभी को पता है 30 से लेकर 45 तक का जो क्षेत्र रहता है, यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर ऊपर में हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर बनता है क्यों, क्योंकि जो व्यापारिक पवने रहती है ग्रीष्म ऋतु के समय में वो ऊपर की ओर बढ़ती, क्योंकि जो ITCZ रहता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसका भी उत्तरायण होता है, क्योंकि सूरज की किरणों का भी क्या होता है, लगातार उत्तरायण। तो आपको ग्रीष्म ऋतु के समय में इस क्षेत्र में आपको व्यापारिक पवनों का प्रभाव दिखाई देगा, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, इस क्षेत्र में उससे कम होती है, और इस क्षेत्र में सबसे कम होती है ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में जहां वर्षा होती है उसे कहते हैं चीन तुल्य, इस क्षेत्र को कहा जाता है स्टेपी तुल्य, और इस क्षेत्र को कहा जाता है भूमध्य सागरी क्षेत्र। यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ वर्षा क्या होती है, कम, पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद में जैसे ही शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु आने के बाद में मैं यहां पर अगर बात बनाऊ 30 से लेकर 45 डिग्री का क्षेत्र में, तो यहां पर अगर मैं बातों को बनाऊ कहां पर, ग्रीष्म ऋतु के जगह शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में यहाँ पर प्रभाव रहता है पछुआ पवन का। कौन से पवन का, और पछुआ पवन जो चलती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी तो स्वाभाविक रूप से वर्षा कराएंगी, तो वर्षा किस ओर से होंगी, इस ओर से वर्षा होते रहेंगी, और जब इस ओर से वर्षा होंगी तो स्वाभाविक रूप से पछुआ पवन तेजी से होती कि धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे परंतु लगातार दीर्घ काल समय तक के, तो वर्षा यहाँ पर लगातार होती रहती है। इसलिए 30 से लेकर 45 डिग्री के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, कब ज्यादा होती है, शीत ऋतु के समय में। और कौन सी पवनों के माध्यम से, पछुआ पवनों के माध्यम से, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते रहती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में दोनों ही ऋतु में वर्षा होने के कारण और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा गर्माहट होने के कारण यहाँ पर रसदार फलों की खेती के लिए एक अच्छा केंद्र बनता है। और यही कारण है कि जब भी किसी महाद्वीप का अगर आप अध्ययन करोगे, तो आपको 30 से लेकर 45 डिग्री के क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा, वहां पर रसदार फलों से संबंधित खेती का ज्यादा प्रोडक्शन और उस पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना आपको दिखाई देगी। जो स्टेपी तुल्य क्षेत्र आएगा, इस स्टेपी तुल्य क्षेत्र में जो मैंने यहाँ पर बताया, ये स्टेपी तुल्य क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो सवाना की तुलना में थोड़ी कम होती है, और यही कारण है कि यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, पेड़ पौधों की जगह पर आपको दिखाई देती घास। आपको यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे थे नीचे सवाना के क्षेत्र में, और घास भी दिखाई देती, पर यहाँ पर केवल घास दिखाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर घास का जीवन चक्र थोड़ा कम होता है, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी बड़ा होता है, जल्दी जल्दी क्या होता है, समाप्त भी हो जाता है, और धीरे धीरे ह्यूमस में बदल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा मिलती रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी आपको दिखाई देगी। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी दिखाई, सर्वाधिक ज्यादा उपजाऊ। और इसी के बाद में जब आप चीन तुल्य के क्षेत्र में आओगे, तो चीन तुल्य के क्षेत्र में आपको जो लकड़ी दिखाई देंगी वो लकड़ी वैरायटी की किस्म की दिखाई देंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर लचीली भी और कठोर दोनों जब किस्म की दिखाई देंगी, तो इमारती लकड़ी आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाई देंगी, और इसलिए इस क्षेत्र का प्रयोग वनस्पति के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक लकड़ियों का ज्यादा उत्पादन संभव हो पाता है। और वैरायटी के, तो मतलब एक ही प्रकार के हमें नहीं दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी, तो कहीं ना कहीं उद्योगों को इसके कारण फायदा होता ही होता है। और इसके बाद में आता है बेटा अगला क्षेत्र, जिसे क्षेत्र को कहा जाता है हमारे द्वारा 45 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र। ये जब 45 से लेकर 60 डिग्री का उत्तरी अक्षांश का जब क्षेत्र आता है, तो उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा
आपको इस क्षेत्र में आपको ग्रीष्म ऋतु के समय में यहाँ पर थोड़ा सा तापमान कम ही रहता है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ से हवा दिखाई देगी। इस क्षेत्र में आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि ऊपर से आती ध्रुवीय पवन है और इधर से चलती है पछुआ पवन है। ठीक है, जो ध्रुवीय पवन रहती है उसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पर तापमान पहले से ही कम है, और तापमान पहले से ही कम है तो स्वाभाविक रूप से संघनन की क्रिया होगी क्या? नहीं हो पाएंगी। अगर हो रही है तो बहुत अधिक कम मात्रा में होगी, और बहुत अधिक कम मात्रा में होने के कारण वर्षा भी क्या होगी? कम मात्रा में होगी। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है ध्रुवीय पवनों के माध्यम से वो क्या होती है? बहुत अधिक कम, और यहाँ तक के आते आते वर्षा की मात्रा होती है बहुत अधिक कम। पर जैसे ही पछुआ पवनों का उत्तरायण होता है ग्रीष्म ऋतु के समय में, तो आपको दिखाई देगा 45 से लेकर 60 डिग्री के क्षेत्र में पछुआ पवनों का भी उत्तरायण होता है। पछुआ पवनों का उत्तरायण होने के कारण हमें यहाँ पर पछुआ पवनों के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्या दिखाई देती है? वर्षा दिखाई देती है, और वर्षा दिखाई देने के कारण इस क्षेत्र की जो खास विशेषता है वो ब्रिटेन में पाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर कोपेन के द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिम के भाग में जो भी जलवायु पाई जाएगी वो ब्रिटिश के समान रहेंगी, ब्रिटेन में जिस प्रकार की रहती है उस प्रकार। मध्य क्षेत्र में बहुत अधिक कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, और ये कड़ाके की ठंडी किस प्रकार की रहेगी? साइबेरिया की तरह, तो साइबेरिया की तरह बोला गया। और फिर बाद में बोला कि जहां पर कम फुहार के नुमा एकदम फवारा जैसी वर्षा होगी और बहुत कम समय के लिए होगी, तो उस क्षेत्र को कहा है लॉरेंशियल क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो दोनों तरफ से होती है, परंतु जो ध्रुवीय हवा रहती है उसके माध्यम से बहुत कम मात्रा में होती है, पछुआ पवनों के माध्यम से अधिक मात्रा में होती है। कब होती है? जब पछुआ पवनों का उत्तरायण होता है, तब होता है जब सूरज की किरणों का क्या होता है? उत्तरायण होता है। तो यहाँ पर पछुआ पवनों के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती रहती है, और इसी के कारण इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जाओगे तो आपको पूर्व के क्षेत्र में आपको मरुस्थल दिखाई देंगे, परंतु पश्चिम के क्षेत्र में मरुस्थल नहीं दिखाई देंगे। और यही कारण है कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं, क्योंकि वहां पर लगातार हर समय पछुआ पवनों के माध्यम से वर्षा होते रहती है। यहां तक कि आपको समझ में आए। और इसी के बाद में जो अगला क्षेत्र है जिसे कहा जाता है टुंड्रा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? टुंड्रा क्षेत्र, 60 से लेकर बेटा 90 तक का जो क्षेत्र। इस क्षेत्र में बहुत अधिक तापमान कम होने के कारण, बहुत अधिक तापमान कम होने के कारण इस क्षेत्र में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो तापमान ही कम है तो स्वाभाविक रूप से संघनन की क्रिया होती नहीं, तो यहाँ पर आपको बर्फ दिखाई देंगे, और बर्फ दिखाई देने के साथ में वृक्ष जो दिखाई देंगे वो भी सीमित प्रकृति के दिखाई देंगे, अर्थात एक ही प्रकृति के लगातार दिखाई देंगे, और बहुत दूर दूर तक के वृक्ष दिखाई देंगे जिसका निर्माण उस क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखकर होता है। शंकुनुमा आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखाई देंगे? पेड़ दिखाई देंगे ताकि उसके ऊपर बर्फ अधिक समय तक के टिके ना। तो इस प्रकार से किसी भी महाद्वीप के हम जलवायु का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। और ये जब आपको अगर याद रहेगा तो आगे आप क्या क्या नहीं पढ़ सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे कनेक्ट होते रहेंगे। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की मानसूनी जलवायु। कल का जो लेक्चर रहेगा, अगला जो लेक्चर रहेगा, उसमें मानसूनी जलवायु जब पढ़ेंगे तो पूरे एक साल में किस प्रकार से भारत में जलवायु मौसम बदलते रहता है उसके बारे में हम पूरा का पूरा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने घर में जरूर एक वृक्ष को लगाइए ताकि पर्यावरण को हम संरक्षण करने में अपनी भी भूमिका दिखा सकें। धन्यवाद।